हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चेरी स्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी में किस तरह से हम अपने बैकड्रॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आने ही वाली है। गणेश जी को हम जिस स्थान पर उनको विराजमान रखते हैं उस जगह को हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डेकोरेट करते हैं। मैंने कुछ बैकड्रॉप्स तैयार किए हैं, आशा करती हूँ इनमें से कोई ना कोई आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरह के गणेश चतुर्थी डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए कुछ दुपट्टे या साड़ियाँ, और जो दिवाली के हमारे जो लड़ियाँ होती हैं ना फ्लावर वाली, और तोरण होते हैं उससे भी आप बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेश फूलों से आप माला बनाकर उससे भी बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोस का। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बैकड्रॉप तैयार करने के लिए मैंने दिवाली का जितना भी सामान था वो सारा निकाल लिया है। मुझे इसमें जो भी यूज़ करना हो वो मैं कर लूँगी, और इसी तरह से यहाँ पर होला होप है इसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल दुपट्टे लिए हैं, आप इसमें साड़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं अपनी डेकोरेशन में। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपनी आज की फर्स्ट डेकोरेशन की तरफ। तो यहाँ पर वॉल में मैंने कुछ लाइट्स लगा ली हैं, एक टेबल रख लिया है, इसके ऊपर मैंने एक पिंक दुपट्टा रखा है। ये होला हूप है, इसको हम हाफ ले लेंगे। इसको मैंने एक पिंक कलर की चुन्नी से मैंने इसको इस तरह से कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम पिंक कलर की डेकोरेशन करने वाले हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपके लोकल मार्केट या फिर अमेज़ॉन में मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। इनकी जगह आप रियल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खाली आपके लिए एक आइडिया लेके आई हूँ एक सेटअप तैयार करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये इसका जो बैकड्रॉप देख रहे हैं ये तैयार कर लिया है। ये होला हुप है, इसके ऊपर भी मैं इस तरह से इसको फ्लावर से लगा दूंगी। जितने ज़्यादा हम फूलों का यूज़ करेंगे हमारा सेटअप उतना ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार होगा। सेंटर में मैंने यहाँ पर एक इस तरह से थाली रखी है, ये मिरर इसमें लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये। और इस पे मैंने एक चौकी रखी और फ्रेश फ्लावर से जो रोज़ है उससे मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। और ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये वाला सेटअप बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना दूसरा बैकड्रॉप तैयार करते हैं। तो यहाँ पर वो वॉल पे लाइटें लगी हुई हैं और टेबल रखी है, इसमें वाइट कलर की मैंने एक बेडशीट रखी है। इसके ऊपर मैं अपना एक ब्रॉकेट वाला डार्क पिंक कलर का एक दुपट्टा मैं रख लूँगी। इस तरह के कलर्स ना बहुत अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स में, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो काफ़ी अच्छे लगते हैं, गोल्डन। तो यहाँ पर मैंने एक आप देख सकते हैं प्लांटर रखे हैं, इसके ऊपर मैंने जो पर्दे की डंडियां होती हैं वो मैंने इस तरह से लगा ली हैं। और यहाँ पर मैंने एक अपना येलो कलर का दुपट्टा मैंने इस तरह से लगा लिया है। कुछ इस तरह के दिवाली के फ्लावर्स थे, ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, इनको मैं इस तरह से बांध के एक बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप तैयार मैं करूँगी, आप देख सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह से नीचे की तरफ भी मैंने फ्लावर लगा लिए हैं। आप यहाँ पर रियल फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं माला बनाकर। और इस तरह से मेरे पास कुछ गोल्डन फ्लावर्स थे तो इसको भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने सेंटर में एक चौकी रखी है, इसके ऊपर मैं येलो कलर का कपड़ा रखूँगी। अब हम इसको फ्रेश फ्लावर से इसको डेकोरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर के फ्लावर एंड जो रोज़ होते हैं और जो गेंदे के फूल हैं उससे मैंने ये डेकोरेशन किया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ बैंगल्स थे तो मुझे आइडिया आया कि यहाँ पर मैं इसको जो है दिए के लिए मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है फाइनल लुक। दोस्तों अगर ये डेकोरेशन अच्छी लग रही है तो देखते देखते लाइक ज़रूर कीजिएगा।
बढ़ते हैं अपनी थर्ड डेकोरेशन की तरफ। स्टैंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉट लिया है, इसको मैंने स्टोन से भर दिया है। पर्दे की जो रॉड होती है वो मैंने इसमें इस तरह से लगा ली है। इसको मैं पूरे अच्छे से कवर कर लूँगी फ्लावर्स से। यहाँ पर मैंने सेंटर में भी एक बंच रख लिया है वाइट कलर के फ्लावर्स का। यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखा है ग्लास का, उसके चारों तरफ मैं इसमें जो रोज़ हैं, फ्रेश फ्लावर हैं, इनसे मैं इसको अच्छे से इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से गन्नू जी रखे हैं और यहाँ पर मैंने भी इस वाइट फ्लावर से इसको डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास बैंगल्स थी, बहुत ही प्यारी ये बैंगल्स हैं। इसको मैं यहाँ पर जो है दिया जलाने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। तो कुछ मैंने इसमें रोज़ पेटल्स से मैंने इसको डेकोरेट किया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये जो डेकोरेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। आप अपने हिसाब से अपने आइडियाज़ लेके आप खुद जो हैं अपने जो बैकड्रॉप्स है उसको रेडी कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप इस तरह से भी अपने बैकड्रॉप को रेडी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ डेकोरेशन की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने मल्टी कलर का फुलकारी दुपट्टा मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं एक रेड कलर का कपड़ा रख लूँगी। एक मैंने चौकी रखी है। ये जो मैंने स्टैंड बनाया था इसको मैं कुछ आगे की तरफ रख लूँगी। यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर का बंदेज का दुपट्टा लिया है। आप कोई भी कलर, आप जो भी आपका अच्छा लगता है आपके पास है, आप उससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दिवाली के दरवाज़ों पे जो लटकन लगती हैं वो मैंने इस तरह से लगा ली हैं और वॉल पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स है वो मैंने लगा दिए हैं। बीच में मैंने यहाँ पर एक चौकी रखी है, उसके साइड में मैंने इस तरह के कांच के दो बाउल रखे हैं। इस पर मैंने पानी डाल के रोज़ लगा, इसके ऊपर रोज़ रख दिया है। दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है और ये है इसका फाइनल लुक। आशा करती हूँ आज की चारों डेकोरेशन वीडियो आपको पसंद आई होंगी। इसमें से कौन सी डेकोरेशन आपको ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है cherrystyle22। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी नई वीडियोज़ का। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।